नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकरणों में हिंदी भाषा के उपयोग के संबंध में हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 के संशोधन को लाने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। राज्य के लोगों की भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए यह आवश्यक है कि इस भाषा का उपयोग हमारे दिन प्रतिदिन के काम में प्रयोग की जानी चाहिए। लोकतंत्र में न्याय का उद्देश्य यह है कि वादी को अपनी भाषा में जल्दी न्याय मिलना चाहिए और कार्यवाही के दौरान वह अवाक ना रहे। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर्वप्रथम वर्ष 2020 इस कैलेंडर वर्ष को आगमन पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आशा करता हूं कि पूरे हरियाणा की जनता और आप सब लोग मिलाकर इस वर्ष को हर्षोल्लास से मनाएं और जीवन में खुशियां ये वर्ष लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इस कैलेंडर वर्ष की हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग थी। उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ फैसले हुए हैं। कैबिनेट मीटिंग के अंदर चर्चा करते समय हमने अपने उस बात को ध्यान में रखा है कि ये वर्ष हम लोग सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर मैंने ये बात कही थी कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको सुशासन के दायरे में हमको लेकर आना है। हमने पिछले 5 साल में भी भरपूर योजनाएं बनाई, कई रिफॉर्म्स किए पॉलिसीज़ में, कई नए कानून बनाए, आईटी का भरपूर उपयोग किया, और जो हमारा टारगेट है कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगानी है, लोगों को सरकारी योजनाओं का सेवाओं का लाभ भरपूर देना है और उन वो आय लेने की बजाय सरकार उनके घर तक जा करके उन सेवाओं का और योजनाओं का लाभ दे, ऐसी सब बातों को देखते हुए हर विभाग की कई योजनाएं चलाई हैं और भी अपेक्षित हैं इस वर्ष में भरपूर उसको उपयोग करेंगे। आज उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है उसके अंदर एक निर्णय तो पहला यही है कि जैसे नियम है कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर हम जो कर्मचारियों को उनके आगे जो परिवार के लोग निर्भर रहते हैं तो उसके आधार पर हमने नौकरी का और आर्थिक सहायता का एक जो नियम कानून बनाया हुआ है, हमने पिछली बार बदला भी था कि कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर उनके किसी भी परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का दोबारा से शुरू किया है। उसमें एक चीज़ का एक संशोधन करके एक प्रावधान और जोड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, अनट्रेस्ड है, पहले नियम ये होता था कि 7 साल तक अगर वो अनट्रेस्ड रहता है तब माना जाता है कि उस व्यक्ति का अब मान लिया जाए कि उसको जो बेनिफिट है एक मृत्यु के बाद दिए जाने वाले वो दिए जाएंगे। लेकिन 7 साल अगर कोई गायब रहता है तो इतना बड़ा पीरियड है कि परिवार पीछे से उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तय किया है कि अगर 6 महीने तक भी अनट्रेस्ड रहता है तो आर्थिक लाभ उसके शुरू हो जाएंगे, नौकरी नहीं लेकिन केवल आर्थिक लाभ, अर्थात पत्नी को जो परिवार है, परिवार को जो रेस्ट पीरियड के लिए जो हम सैलरी देते हैं, पेंशन नहीं है, सैलरी है पूरी पूरी सैलरी, हाँ, तो वो शुरू हो जाएगी। और यदि कभी व्यक्ति मान लो वापस लौट आता है तो फिर उसकी नौकरी बहाल हो जाएगी। एक निर्णय हरियाणा फिल्म नीति जो हमने बनाई थी उसके अंदर थोड़ा संशोधन किया है कि जो अभी तक हरियाणा फिल्म सेल एक बनाया गया था उसकी बजाय उसका नाम अब फिल्म प्रमोशन बोर्ड, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड ये रखा है। यानी एक प्रकार का उसका स्टेटस अब एक बोर्ड का होगा, ना कि सेल का होगा। और जो उसमें पहले हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी उसके बजाय अब गवर्निंग काउंसिल जो उसके निर्णय करेगी
वो गवर्निंग काउंसिल करेगी उन फिल्मों के बारे में, किसको क्या लाभ दिया जा सकता है। जी गवर्निंग काउंसिल ऐसे ही एक विषय बहुत समय से जो आप लोगों के सामने पहले भी मैंने कई बार रखा है कि अब हम हरियाणा के नागरिकों का, परिवारों का एक डाटा, डायनेमिक डाटा, हर समय उसमें जो परिवर्तन होते रहेंगे साथ साथ करते रहेंगे, परिवार पहचान पत्र जिसके अंतर्गत बनेगा, और बाद में वो सब डाटा विभिन्न विभागों के काम आएगा जिन्होंने उन स्कीमों को देना है, और कहीं जब इंटर डिपार्टमेंटल अगर आवश्यकता रहती है एक ही डाटा की तो उसको भी दोनों डिपार्टमेंट्स को सहायता करेंगे, डिपार्टमेंट सब अपना डाटा अपने पास रखेंगे। तो ऐसे सब काम को करने के लिए अब वो किसी विभाग, पहले उन्हें जुड़ा हुआ था इसको प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन ध्यान में आया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने से जितनी गति बननी चाहिए शायद गति नहीं बन पाएगी। तो इस सारे काम को करने के लिए बहुत कंक्रीट एक योजना बनाने के लिए हमने एक नया विभाग ये बनाया है जिसका नाम होगा सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। हिंदी में हमने लिखा है नागरिक सूचना, सूचना से पहले नागरिक संसाधन सूचना मंत्रालय, सूचना विभाग, हाँ संसाधन सूचना विभाग। तो इसमें सभी नागरिकों का एक प्रकार का जन्म से लेकर मृत्यु तक का डाटा विद फैमिली आईडी, इसको बनाया जाएगा। बेसिक डाटा जो है वो ही डिपार्टमेंट इकट्ठा करेगा, उसका एक जगह पर संग्रह होगा, और बेसिक डाटा फिर हर डिपार्टमेंट को जिसको ज़रूरत है जिस भी प्रकार की योजना का उन्होंने लाभ देना वो उनको सप्लाई किया जाएगा। योजनाओं की सारा जो विवरण, जो जानकारी है या उसका संग्रह है वो योजनाओं का संबंधित डिपार्टमेंट के पास रहेगा, लेकिन बेसिक डाटा ये विभाग तय करेगा। ऐसे ही एक निर्णय हमने लिया है कि कोर्ट्स के जो डिसीजन हैं, मैं पहले लोअर कोर्ट्स की बात करूंगा, चाहे वो सिविल के कोर्ट्स हैं, चाहे जुडिशियल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इन सब कोर्ट्स का जो काम है अभी तक सर्वदूर अंग्रेजी में होता है, अब ये हिंदी में हो इसका भी एक निर्णय लिया गया है कि सभी जो कार्रवाई है वो हिंदी में हो, उनके जो निर्णय हैं वो सब हिंदी में लिखे जाए और जनता को सप्लाई किए जाए। सेशन कोर्ट, अब हाँ सेशन कोर्ट यानी हाई कोर्ट से नीचे के जो सारे हैं, हाँ ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सब हैं। अकेला हिंदी में होगा या साथ में इंग्लिश भी होगी? इंग्लिश भी ऑप्शन से उसके लिए जाते हैं, कोर्ट में तो दोनों चीज़ों में रिकॉर्ड होता है, लेकिन उस निर्णय की कॉपी यदि इंग्लिश में भी किसी को ज़रूरत है, मानो कई बार दूसरे किसी प्रदेश का है या यहाँ भी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उसको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में वो ले सकता है। जहाँ तक विषय हाई कोर्ट का, अभी तक एक संवैधानिक परंपरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने डिसीजन हैं वो सब अंग्रेजी में ही होते हैं देश भर में, लेकिन उसमें भी गवर्नर को ये अधिकार है कि किसी प्रदेश के हाई कोर्ट के लिए यदि वहाँ की स्थानीय भाषा में वो इस प्रावधान को कराना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट की परमिशन से वो ऐसा कर सकते हैं। हमने भी आज अपने गवर्नर साहब को लिखा है कि इस बात की संतुति करें कि हाई कोर्ट में भी हिंदी में निर्णय लिखने की और सप्लाई करने की वो हमको सुविधा प्रदान करें, और इन कामों के लिए जो भी प्रदेश की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसलेटर है, जो व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी हिंदी की, वो सब हरियाणा सरकार करने के लिए तैयार है। विषय है संविधान के अंदर एक प्रावधान, जब संविधान बना तब किया गया था, वो था शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन हमारे देश की लोकसभा और जो हमारा संसद है उन्होंने लगातार इसमें खास करके अनुसूचित जाति के समाज के हित की बात को ध्यान में रखते हुए 10-10 साल बढ़ाते रहे हैं, 70 साल पहले बढ़ा है,
2020 तक का प्रावधान उसमें था, लेकिन अब और 10 साल के लिए वो निर्णय संसद ने यानी उस बिल को पास किया है। अब उसको पास किया तो स्वाभाविक है कि संवैधानिक संशोधन है तो विधानसभाओं को भी रेटिफाई करना है उस निर्णय को रेटिफाई करने के लिए। और उसके साथ ही हमने जोड़ दिया है, हमारे स्पीकर साहब ने व्यवस्था बनाई है कि सभी विधायकों का एक प्रशिक्षण भी, कई बार एक दिन का डेढ़ दिन कम किया करते हैं, तो वो प्रशिक्षण भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो ऐसा हमने संतुति की है राज्यपाल महोदय को स्पीकर साहब से बात करके कि 20 तारीख से सेशन शुरू किया जाए, 20 को सेशन शुरू करेंगे और आगे फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको एक दिन डेढ़ दिन, क्योंकि इस बार पहली बार ये नए कैलेंडर वर्ष का पहला सेशन है तो स्वाभाविक है गवर्नर एड्रेस भी उसमें होता है, तो गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए जितना आवश्यक समय लगेगा वो लगा करके और ये जो लेजिस्लेटिव काम करके बाद में फिर उसमें लगातार ही उसी क्रम में प्रशिक्षण का भी काम शुरू हो जाएगा जो 22 तारीख सायंकाल तक अभी एक योजना में है। बाकी जो फाइनल हमारे गवर्नर साहब और स्पीकर साहब उनकी योजना से जो होगा हम करेंगे, हमारी ओर से सुझाव है, ये डिसीजन जो है ये राज्यपाल का होता है। राज्यपाल का भी क्या होता है, शुरू करने का होता है राज्यपाल का, बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का होता है, बीएससी कर सकती है। जो भी पेंशन हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन अथवा दिव्यांग पेंशन अथवा जो हमारे हमारी बहनें विधवा पेंशन वगैरह 2000 रुपये दिव्यांग पेंशन, वो जो 2000 रुपया महीना थी उसमें हमने घोषणा की थी कि इसको महंगाई के साथ जोड़ करके किया करेंगे। हमारे सहयोग दलों ने कहा कि नहीं उससे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो हमने अपनी बात और उनकी बात मिला करके एक निर्णय लिया है कि महंगाई के हिसाब से तो ये 160 रुपये बनती है, लेकिन हम पहले वर्ष में इसको 250 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो ये 2250 रुपये ये पेंशन अब 1 जनवरी से ये होगी इस वर्ष के लिए। तो एक एक वर्ष के हिसाब से ही जो महंगाई दर होती है उस हिसाब से निकलेगी, तो 2020 के लिए 2250। तो ये एक उसमें प्रावधान किया गया तीनों श्रेणियों के लिए और इस सारे में लगभग 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इसको कहना चाहिए वित्तीय भार इसमें आने वाला है। 514 करोड़ रुपए का पहले हमारा मासिक ये खर्च इसमें होता, अब ये 584 करोड़ रुपए का महीने का ये हुआ करेगा। कुल लगभग 28 लाख लोग ऐसे हैं जो इस पेंशन का लाभ उठाते हैं। और इसी के साथ एक हमारा वर्ग है जो मजदूर वर्ग है, खास करके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इनका एक वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, उनके यहाँ भी पेंशन की व्यवस्था है और दोनों में से एक जगह व्यक्ति पेंशन ले सकता है। वो पेंशन पहले 1500 रुपये होती थी, पिछले वर्ष हमने उसको बढ़ा करके 2500 रुपये किया था, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को जानकारी उसकी ना मिली हो, तो अभी कुछ को 2500 रुपया मिल रहा है और कुछ वो 1500 ही ले रहे हैं, लेकिन उसको और प्रचारित करके उसको भी यहाँ से इस पेंशन को 2250 रुपये ना ले करके उसमें जो 500 रुपये एडिशन पहले था एज इट इज 500 रुपये एडिशन रहेगा, अर्थात वो अब 2750 हो जाएगी, तो वो इसमें से उसमें चले जाए ताकि उनको 500 रुपये का लाभ ज़्यादा रहेगा और उसको लगातार हम जो ये पेंशन होगी इसमें 500 रुपये ज़्यादा उसमें रहा करेगी। उसके लिए अलग से कॉर्पस फंड है, उस कॉर्पस फंड में से 2750 रुपये। बहुत समय की एक मांग चली आ रही थी कि मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेजेस, इसमें जो ग्रेजुएशन है यानी MBBS है उसमें तो रिजर्वेशन का लाभ उनको मिलता था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में MD क्लासेस में ये लाभ नहीं मिलता था। हमने तय किया है कि अब SC, BC और ESM यानी एक्सरसमैन उनकी रिजर्वेशन MD में भी करेंगे इस अगले सत्र से, वो जैसे बाकी होता उसी हिसाब से होगा MD में भी। और इसमें बल्कि एक चीज़ और जोड़ी जा रही है कि जो केंद्र सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यानी जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता ऐसे सब कैटेगरीज को 10% अलग से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, वो भी लागू होगा
उसमें 10% सीटें जैसा हर कोर्स में कहा गया था पढ़ाई जाएंगी, तो पहले MBBS में तो सब जगह बढ़ चुकी हैं उस आधार पर क्योंकि हम रिजर्वेशन उसमें देते हैं, लेकिन अब चूँकि यहाँ रिजर्वेशन MD में नहीं थी, तो MD में ये रिजर्वेशन देने के बाद 10% सीटें स्वाभाविक रूप से वो भी हमारे कोर्सेज में बढ़ जाएंगी, तो वो एक लाभ स्टेट को इस नाते से नंबर ऑफ सीट्स का भी हो जाएगा। झज्जर नगर पालिका, उसको आज से नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया, ये भी एक कैबिनेट का डिसीजन है। इसका अर्थ यह है कि 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो नगर परिषद या नगर निगम हो गए, अब नगर पालिका कोई नहीं रहा। एक हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, कैबिनेट की मीटिंग में बहुत से एजेंडे एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स के आते थे और वो 10-10 साल 15-15 साल की पुरानी रिपोर्ट चली आती थी, आधे एजेंडे तो वही होते थे, वो बहुत ज़्यादा कोई उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होती थी और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में क्या है क्या लिखा गया वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज रहती थी। अब हमने कहा कि नहीं, फ्यूटाइल नहीं रहनी चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा जो कि कैबिनेट मीटिंग में करना संभव नहीं होता, बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं, उसके लिए एक सब कमेटी बनाई है, कैबिनेट सब कमेटी, वो महीने में 2 महीने में बैठ करके उन सब की जो डिटेल्स नहीं तो कम से कम उसका जिम उसका वो आंकलन करेंगे, उसका समरी क्या है, उसके हिसाब से अगर कोई बात कैबिनेट में रखने लायक आएगी तो रखेंगे। उसमें 3 लोगों की कमेटी में हमारे कंवर पाल जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, पहले स्पीकर भी रहे हैं, तो उनको इसका चेयरमैन बनाया है और उनके साथ 2 सदस्य होंगे, एक होंगे अनूप धानक और एक संदीप सिंह जी, तो ये 3 मिनिस्टर्स की ये कमेटी रहेगी। और अगर कोई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें इन 3ों के डिपार्टमेंट्स नहीं है तो उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और मिनिस्टर को भी वो चाहे तो अटेंड कर सकते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी तो आएंगे ही, मिनिस्टर भी चाहे तो उसको अटेंड कर सकते हैं।